भिवंडी स्थित अजय होटल के पास शांति नगर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रमजानुल मुबारक के पवित्र महीने को लेकर आज दिनांक 15 अप्रैल 2023 को भिवंडी शांति नगर पुलिस स्टेशन व गुलशन सेवा संस्था द्वारा आम दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन गुलशन सेवा संस्था के संस्थापक महबूब बादशाह शेख, अध्यक्ष सलीम सुलेमान शेख, महमूद शेख, साजिद शेख, रिजवान शेख, मुस्ताक कुरैशी, जुबैर शेख, इरफान शेख, अलीमुद्दीन शेख, गौस शेख, शाहिद शेख, राशिद शेख तथा गुलशन सेवा संस्था के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर शांति नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर इंदुलकर, आरपीआई एकतावादी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व माजी नगर सेवक भिवंडी मनपा विकास निगम, माजी नगर सेवक दिलीप गुलवी, रमेश दिवेकर, रामा पाटिल, हासिफ खान, सुभाष गुप्ता सहित भारी संख्या में मान्यवर व शांति नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। सभी का स्वागत सम्मान गुलशन सेवा संस्था के संस्थापक महबूब बादशाह शेख व अध्यक्ष सलीम सुलेमान शेख तथा गुलशन सेवा संस्था के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। रमजान का भी पवित्र महीना चालू है। इस दौरान दिन भर अपने सब मुस्लिम भाई बहन सब उपवास करते हैं। शाम को उपवास छोड़ते तब सब इफ्तार पार्टी में सब अपने हिंदू मुस्लिम यहाँ पे जो भिवंडी में रहते सबको इकट्ठा बिठा के हम एक साथ इफ्तार पार्टी मनाते हैं। इससे अपने सब भिवंडी वासियों को और अपने देशवासियों को हम एक ही संदेश देते हैं कि हम यहाँ भिवंडी में हर जाति धर्म के लोग एक साथ रहते, ये मेरा संदेश है। और सब अपने मुस्लिम भाई बहन को अपने रमजान महीने के और आने वाली ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी रमजान शुरू होने से मैं आज तक तो देखा है, आज तक तो शांति से अपना सब यहाँ का माहौल चालू है और आगे भी शांति में रहेगा। और सबको मेरी एक ही विनती है कि अपना ईद का जो त्यौहार है सब शांति से खुशी से मनाइए। देखो भिवंडी शहर एक ऐसी है कि पूरे देश के अंदर पूरे देश की जान मैं समझता हूँ भिवंडी शहर है। हर स्टेट का हर प्रांत का नागरिक यहाँ मौजूद है, अपने अपने पंसी जीता है यहाँ। और यहाँ पे हमारे पुलिस प्रशासन का ये है हमेशा ये रहा कि भारत देश में कहीं कुछ भी हो भिवंडी शहर में हम उन्हें चैन होना चाहिए, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। तो जैसे भिवंडी शहर के हमारे सीनियर साहब से उस दिन मेरी बातचीत थी तो साहब ने बोले कि भाई सारे मंच एक मंच पर अपन बैठेंगे, एक साथ खाएंगे तो हमारी मोहब्बत बरकरार रहेगी। तो वो हिसाब से साहब ने बोला तो प्रोग्राम का अरेंजमेंट हो गया है। मैं तमाम भिवंडी शहर के वासियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हम हकीकत में एक हैं, हम इस देश से भी एक है, हम मिट्टी से भी एक है, हम मानते अलग अलग धर्म को अलग है लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारत के बेटे हैं, हम भाई भाई हैं। और यही पैगाम हमारा पूरे देश में जाना चाहिए, हमारे शहर में रहना चाहिए। आज वसंत गुलवी आ गया, रमेश दिवेकर हो गया, आसिफ भाई हो गए, इस्माइल शेख हो गए, वसंत गुलवी हो गए, हमारा बचपन से लेके हम बड़े हो गए, हमारे साथ में रहे, हम साहब यहाँ पे साथ में खेले, आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे बच्चे की बीबियाँ आ गए, शादियाँ हो गए, फिर भी हमारी मोहब्बत कायम है। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ये मोहब्बत कायम रखे, हमारे शहर में अमन चैन रहे, हमारे देश में अमन चैन रहे, भाईचारा कायम रहे। और इसी तरह हम हर पल दुख सुख साथ में शहर के अंदर मिल बैठ के बैठ के बात करेंगे, हम मिल बैठ के खाएंगे। इतनी बात बोल के मैं तमाम आए हमारे शांति नगर में जितने भी पॉलिटिकल लीडर, सरमाएदार, हर पार्टी के वर्कर, हर धर्म को मानने वाले यहाँ पे मंच पे मौजूद है, सबको रमजान महीने की तरफ से इफ्तार पार्टी बहुत बहुत मुबारक है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब एक है, हम भाईचारा कायम रखेंगे, इफ्तार पार्टी कायम रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय गुरु। Allah
सबसे पहले मैं गुलशन सेवा संस्था को दिल से मुबारकबाद देता हूं। हमारे महबूब भाई बादशाह है और हमारे सीनियर पुलिस अधिकारी लोग यहां पे आए, सबसे पहले वो लोग को मैं मुबारकबाद देता हूं। बादशाह भाई या उनकी पूरी टीम हर साल इसी तरह यहां पे प्रोग्राम करते रहती है और इससे ये मैसेज शहर को देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं और गंगा जमुनी तहजीब का इन्होंने एक मैसेज दिया है। ये इससे हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग बैठ कर रोजा अफ्तार किए हैं और शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष माननीय बादशाह भाई शेख और उनके सभी साथी, उनकी तरफ से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में आए हुए शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इंदलकर साहब, सभी पुलिस वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मस्के साहब, हमारे साथी नगर सेवक रामा पाटिल जी, यहाँ के सभी काउंसिलर, मैं बादशाह भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गए 10-12 साल से तो इस एरिए में आम आदमी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमारा रमजान महीना है, पवित्र महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आवाम के लिए अच्छे दिन आए। हमारे बादशाह भाई ने जो एक प्रोग्राम रखा है, मैं उनको पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि ऐसे ही लोगों से मिलजुला रहे और लोगों के लिए अच्छा काम किया।